हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डाइजेशन एंड एबजोपन में लेक्चर नंबर सेवन सेलाइवरी ग्लैंड्स देर आर थ्री पेयर्स ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स थ्री पेयर्स होते हैं सेलाइवरी ग्लैंड के मतलब यानी पेयर में एक पेयर में दो होते हैं यानी सिक्स फॉर्मेशन होगी सैलाइवरी गेंड दीज ग्लेंड्स आर नॉट एक्चुअली इन बकल कैटी बट दे ओपनिंग इन बकल कैविटी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये माउथ के पार्ट्स हैं जैसे बकल कैविटी का हिस्सा नहीं होता बट इनका जो सिक्रेशन है या इनकी जो ओपनिंग्स हैं वो कहाँ पर ओपन ऑप उप होती है बकल कैविटी में ओपन ऑप उप होती है इसको हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं जैसे ये अपनी माउथ कैविटी है ठीक है ये पैलेट रीजन था पहले पढ़ चुके हैं हम लोग रूफ ऑफ दी बकल कैविटी ये टंग रीजन है फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी और ये लोअर जो है ठीक है ये स्पेसिफिक रीज़न है और ये जो कान वाला हिस्सा है ईयर वाला हिस्सा है इधर से ये पार्ट है तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजनस है दिस पार्ट ये रीज़न कान के नीचे वाले साइड में ये पैरोटिड ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है यानी फर्स्ट सैलाइवरी ग्लैंड है और पैरोटिड ग्लैंड एक कैविटी में या ओपनिंग होती है जिस कैविटी में <coughs> उसको हम लोग बोल सकते हैं पैरोटिड डक्ट बोल सकते या हैं यानी जिसके थ्रू ये बकल कैविटी में खुलती है यानी हम लोग कह रहे थे कि बकल कैविटी में नहीं प्रेजेंट होती बट इनकी ओपनिंग होती है तो ये पैरोटिड ग्लैंड है और ये खुलती है इस डक्ट के थ्रू जिसको बोलते हैं स्टेनसेंस डक्ट बोला जाता है स्टेनसेंस डक्ट बोल सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड ओपन इन टू ए डक्ट थ्रू द फॉर द ओपनिंग ऑफ बक्ल कैविटी दैट इज द स्टेंसेंस डक फिर दूसरी बात करते हैं सब मैंबुलर या सब मैग्जिलरी ड ग्लें सब मेंडिबुलर और सब मैगजलरी ये यानी लोअर जो के लिए बताया गया है सब मैं मैंबुलर और मैग्जिलरी एक ही बात है स्लैस कर सकते हैं हम लोग सब मैंडिबल या मैगजलरी ये सेकेंड पेयर <coughs> जिस डक्ट में के थ्रू ये बकल कैविटी में खुलता है उसको बोलते हैं वॉल्ट डक्ट क्या बोलेंगे डक्ट बोलें एंड थर्ड थर्ड है अपनी सब लिंगुअल ग्लैंड ग्लेंड सब ग्लैंड लिंगल ग्लैंड सब और ये सब ग्लैंड का जो पेयर है वो जिस डक्ट के थ्रू खुलता है उसको बोलते हैं बारथोलिंग ग्लैंड या डक्ट ऑफ रिविनस बार्थोलिन ग्लैंड या डक्ट ऑफ रिविनस बोल सकते हैं तो तीन पेयर होगी ठीक है बात करते हैं हम लोग यानी फर्स्ट पैरोटिन ग्लैंड, सेकंड मैंड सब मैंडिवलर या सब मैगजरी ग्लैंड, एंड थर्ड सब लिंग ग्लेंड ग्लेंड।, ग्लेंड के बारे में कुछ स्पेसिफिक करेक्टर पड़ेंगे सबसे पहले ये ग्लेंड ये तीन एक चार्ट के थ्रू ग्लेंड लोकेशन एंड देर डाक्ट्स सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सेलाइवरी ग्लैंड एक पेयर प्रेजेंट होता है ठीक है ये लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है सबसे बड़ी सेलाइवरी ग्लैंड होती है लोकेशन बिलो ईयर लॉब बिलो ईयर लॉब ईयर लॉब के नीचे वाले साइड में प्रेजेंट होती है डक्ट, डक्ट <clears throat> क्या है ये स्टेंसिन डक्ट होता है स्टेंसिन डक्ट होता है जिसके थ्रू ये ओपन अप होती है कहाँ पर अपनी बकल कैविटी में उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेंसिन डक्ट्स पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट है बिलो द ईयर लोब लोकेशन होती है स्टेंसिन डक्ट्स जे जो डक में खुलती है उसको हम लोग स्टेंसिन डक्ट बोलते हैं ओपनिंग ऑफ डक्ट इट इज ओपन बिलो सेकेंड मोलर ऑफ द अपर जोन यानी ये कहाँ पर होता है स्टेंसिन डक्ट सेकेंड मॉलर यानी मॉलर क्या बेटा टीथ है अपर जो का जो अपर जो अपना पार्ट है उसका सेकेंड मॉलर जो टीथ होता है उसके नियर बाय ओपन ऑफ होती है दूसरी अपनी सब मैंडिबुलर या सब मैगजलरी ग्लैंड ये भी एक पेयर प्रेजेंट होता है अब लोकेशन एट जो एंगल एट जो एंगल जैसे आप लोग साइड से देखते हो तो यहाँ से जो जो एंगल दिखाई देता है उस फॉर्मेशन के नियर एट द जो एंगल प्रेजेंट होती इसका जो डक्ट होता है उसको बोलते हैं डक्ट इट ओपन्स बिलो टंग इनसाइड द लोअर इंसिजर इट ओपन्स बिलो द टंग यानी टंग के नीचे वाले हिस्से में ओपन अप होती है इन साइड द लोअर इंसिजर ठीक है लोअर जो इंसीजर्स हैं हमारे नीचे वाले जबड़े के जो टीथ हैं इंसीजर वहाँ के लगभग ओपन अप होता है थर्ड है सब लिंगल या सेवरी ग्लैंड ये भी एक पैरा होता है ये स्मॉलेस्ट होती है और ये लार्जेस्ट होती है पैरोटिड बनीत द टंग ये टांग के नीचे वाले हिस्से के अंदर और जिसकी जो डक्ट्स होते हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं बार्थोलिन या रेबिनस डक बोल सकते हैं इट ओपन्स बिलो द टंग ये भी टंग के नीचे ही खुलता है फिर टाइप्स ऑफ सेल्स बाई विच दीज से ग्लेंड्स फॉर्मड यानी ये तीन टाइप की सेलाइवरी ग्लेंड है जो जिन सेल्स से बनती है उनके उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले पैरोटिड ग्लेंड अप ऑफ सैरस सेल्स ये किससे बनी होती है सैरस सेल से बनी होती है ठीक है सीरस सेल से बनी होती है और इन सीरस सेल्स का फंक्शन क्या होता है एंजाइम एंड वाटर सिक्रेशन करना होता है एंजाइम्स एंड वाटर सिक्रेशन करना होता है एंजाइम बेसिकली सेल एवरी एम होता है सेकेंड है सब मैंडिबुलर या सब मेड अप ऑफ म्यूकस सेल ये भी म्यूकस सेल से म्यूकस सेल से बनी होती है और इनका फंक्शन क्या है म्यूसिल म्यूकस सिक्रेशन करना थर्ड टाइप इज ऑल्सो मेडअप ऑफ थर्ड टाइप सब लिंग ग्लिन मेडअप ऑफ म्यूकस सेल इट ऑल्सो सिक्रेट म्यूसिलियन तो बोल सकते हैं पैरोटिट बनी होती है अपनी सीरस सेल से जिनका फंक्शन होता है एनजाइम वाटर सिक्रेशन का एंजाइम बेसिकली माइलेज होता है और सब मैंबुलर या मैगजरिया थर्ड सब लिंग दोनों सेकेंड और थर्ड दोनों क्या सिकरेट करती है म्यूसिन सिकरेट करती है और किसका फॉर्मेशन है म्यूकस सेल या म्यूकस सिक्रेट करती है म्यूकस सेल से बनी होती है नेक्स्ट पैरोटिड सेलाइवरी गैरोटिड सेलाइवरी ग्लैंड वायरल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन इन्फेक्शन पैरोटिड सेलाइवरी ग्लैंड नोन एज मॉम्स क्या बात कर सकते हो जब पेरोटिड ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है ठीक है यानी एक वायरल पैरोटिड ग्लैंड वायरस के थ्रू अगर इन्फेक्ट होती है तो उसको उस पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में इफ इन्फेक्शन इज बाय द वायरस दैट इज़ नॉन एज मम्स सलाइवरी ग्लैंड में वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको मम्स बोलते हैं और मम्स क्या होता है ए पेनफुल कंडीशन ऑन विच पैरोटिड ग्लैंड गेट इन्फ्लामेटेड यानी एक ऐसी uh, पेनफुल कंडीशन में दर्द होता है बॉडी के अंदर या बकल कैविटी के अंदर माउथ के अंदर जिसमें सेलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड सेलाइवरी ग्लैंड इन्फ्लामेटेड हो जाती नेक्स्ट सिक्रेशन ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड इज नॉन एज सेवा ये जो तीनों ग्लेंड्स हैं पेरोटिड सब मैंडिबुलर और सब लिंग ये तीनों जो सिक्रेट करती है उन कंबाइंड फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं सलाइवा बोलते हैं और सिक्रेशन क्या करती है एंजाइम वाटर और म्यूकस म्यूकस फिर है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा कंपोजिशन ऑफ सलाइवा यानी सलाइवा किस किस बना बनाता water, enzyme, है वाटर एंजाइम और म्यूकस से बेसिकली तीन चीज प्रेजेंट है वाटर एंजाइम और म्यूकस वाटर पानी एंजाइम नेम ऑफ एंजाइम इस एमाइलेज जो एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं सेलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं और इस सेलाइवरी एमाइलेज का सेकेंड नेम है टाइलिन पैक्टाइलिन पढ़ते हैं हम लोग टाइलिन पढ़ सकते हैं पी साइलेंट रहता है टाइलिन पैक्टाइलिन ठीक है तो सेलाइवरी एमाइलेज और सेलाइवरी एमाइलेज का ही फॉर्म सेकेंड नेम है पैकटाइलिन थर्ड है सॉल्ट्स भी होते हैं इसके अंदर फोर्थ म्यूसिन या म्यूकस है बोल सकते हैं एंड फिफ्थ बैक्टीरिया साथ, बैक्टीरियासाइडियल सब्सटांसिस बैक्टीरियासाइडियल सब्सटांस लाइसोजाइम साइडल सब्सटांस मतलब ऐसा केमिकल कंपोजिशन जो बैक्टीरियाज को किल करता है वो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है मतलब सिक्स पी इसकी पी ये इसका कंपोजिशन हो गया नंबर फाइव तक ये सब क्या बोल सकते हैं हम लोग <coughs> कंपोजिशन हो गया सैलाइबा का वाटर एंजाइम से माइलेज साल्ट म्यूकस बैक्टेरियाडल सब्सटेंस लाइसोजाइम फिर बात करते हैं पीएच की पीएच होती है स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली एसिडिक सिक्स पॉइंट एट होता है वैसे बोल सकते हैं हम लोग ठीक है स्लाइटली एसिडिक और ये कितने पॉइंट में सिक्स पॉइंट एट होता है वॉल्यूम ऑफ सेलेबा वॉल्यूम ऑफ सेलेबा इज अबाउट वन पॉइंट फाइव लीटर सेलेबा इज प्रोड्यूस पर डे एक हेल्दी ह्यूमन बींग एक से डेढ़ लीटर तक सलाइवा का प्रोडक्शन करता है पर डे नॉट फिर कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं थिंग्स हैं अबाउट सलाइवरी एमाइलेज सलाइवरी एमाइलेज इज एब्सेंट इन द सलाइवा ऑफ डोमेस्टिक हारबीवर्स लाइक जो घरेलू <coughs> डोमेस्टिक हारबीवर्स हैं जो घास खाते हैं ऐसे जानवर उनको हारबीवॉर्स बोलते हैं कावज बफेलोज ए कैटल्स उनमें क्या नहीं होता सलाइवा एब्सेंस होता है ठीक है सलाइवा इज एबसेंस इन द डोमेस्टिक हार्वीवॉर्स लाइक बफेलोस एंड कैटल्स सेकेंड कार्निवोर्स ऑल्सो और कुछ कार्निवोर्स कार्निवोर्स के अंदर भी एबसेंस होता है जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं डॉग लॉइंस लाइक टाइगर यानी डॉग फैमिली और कैट फैमिली में भी एबसेंस होता है नॉट सेलाइबरी एमाइलेज इज फाउंड इन द दैलाइबा ऑफ पिक्स सेलाइब्री एमाइलेज किस में प्रजेंट होता है पिक्स के सैलाइ में प्रेजेंट होता है तो किस किस में नहीं प्रेजेंट होगा डोमेस्टिक हर्बीवर्स और कॉर्नीवर्स में हर्बीवर्स में आ गया काओ बफेलोज और कैटल्स और कॉर्नीवर्स में डॉग लॉइंस इन टाइगर्स डॉग फैमिली और कैट फैमिली फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि खाना की स्मेल करके लार टपकने लग जाती है ऐसा क्यों होता है ठीक है अच्छे खाने की स्मेल लेकर के हमारे मुंह में पानी आ जाता है एक मुहावरा भी आता था, था मुंह में पानी आ जाना ऐसा और आप लोग देखते हो कि फील्ड एरियाज के अंदर जब क्रिकेटर्स खेलते रहते हो तो बार बार में थूकते रहते हैं स्पिटिंग आउट करते हैं ऐसा क्यों होता है उसके लिए वन वी स्मेल ए गुड फूड देन और माउथ गेट्स वाटरली बिकॉज अगर आप लोग एक अच्छे खाने की स्मेल लेते हो तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है बिकॉज दिस इज एन एंटी सेपेशन दैट नाउ द फूड कम्स इन आउट बकल कैविटी क्या बोल रहा है कि इट मीन्स के अंदर पानी आ जाने का एक टाइप का ये एंटीसिपिटेशन है कि पता चल जाता है कि अब खाना आने वाला है मुंह के अंदर <coughs> पहले से प्रिपेयर बक्कल कैविटी में केमिकल्स या जो सिक्रेशन है वो जनरेट हो जाते हैं जिससे क्यों क्योंकि खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए ये एंटीसिपेशन है मतलब प्री pre प्रिपरेशन बोलते जैसे आप लोग प्री वर्क बोल सकते हो तो माउथ या बकल कैविटी पहले से प्रिपेयर रहता है डाइजेशन करने के लिए इसलिए ऐसा होता है आउट बकल कैविटी द एंजाइम्स ऑलरेडी सिक्रेटेड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च वाटरलीम पानी किस लिए आता है कि जो खाना हम लोग स्टार्च की फॉर्म में ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए पहले से माउथ में सिक्रेटेड दिस दिज सिक्रेशन इज सिक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड्स और ये सिक्रेशन किससे से सिक्रेट किया जाता है पैरोटिड ग्लेंड से किया जाता है वाटर एंड एंजाइम सेलाइवरी अमाइलेज ठीक है ये सिक्रेशन किसका होता है जो वाटरली फ्लूइड बनता है वो पैरोटिड ग्लैंड का नॉट ऑफ सबमेंडिबुलर और सब लिंगल ग्लैंड यानी फर्स्ट सेलाइवरी ग्लैंड का होता है थर्ड और सेकेंड और थर्ड का नहीं होता दूसरी कंडीशन वन वी सी प्लेयर्स एट द ग्राउंड दे कीप पीटिंग ऑल द टाइम्स रीजन एट द टाइम सिक्रेशन फ्रॉम सब मैंडिबुलर हम लोग देखते हैं कि दूसरा कंडीशन जब ग्राउंड फील्ड एरियाज में क्रिकेटर्स लाइक like ये खेलते रहते हैं तो वो क्या करते हैं ऑल द टाइम स्पीटिंग आउट थूकते रहते हैं तो उनका जो सिक्रेशन होता है माउथ में सब मैंडिबुलर और सब लेंगुलर ग्लैंड का होता है ये क्या होता है कि ये थर्ड और सेकंड और थर्ड यानी सब लिंग और सब मैंडिवल ग्लेंड का होता है पैरोटिड का नहीं होता विच इज़ नॉट सेलाइवरी एम इसमें सेलाइवरी एमाइलेज नहीं होता इसमें म्यूकस होता है क्योंकि सैलाइवरी एमाइलेज कौन सिक्रेट करता है पैरोटिड और पैरोटिड का सिक्रेशन इसमें होता नहीं बिकॉज दे डो नॉट स्मेल एनी फूड और ये खाना नहीं लेते तो खाना की स्मेल नहीं आ रही तो पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रेशन नहीं होता एंड नो एंजैम सिक्रेटेड ओनली म्यूकस सिक्रेटेड इसलिए म्यूकस ही सिक्रेटेड होगा एट दिस टाइम द पेरोटेड नॉट सीक्रेट एंजैम और इस वजह से जब ये खेलते हैं तो उनको खाने की कोई स्मेल नहीं आती तो पेरोटेड का सिक्रेशन नहीं होता म्यूकस सिक्रेटेड ओनली और दे स्पीटिंग ऑल द टाइम थैंक यू